Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a constant volume thermometer registers a pressure of this value is given at the triple point of water, and a pressure of this value is given at the normal boiling point. What is the temperature at the normal boiling point? Fine. So देखो हमारे पास constant volume thermometer है. नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा. गैस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है. लाइक हमने किसी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस किया था. क्या होता है कि हमारे पास एक मर्क्यूरी का रिजर्वायर होता है, उसे हम एडजस्ट करते हैं सो दैट जो वॉल्यूम है गैस का बल्ब में, एक ग्लास बल्ब होता है जिसमें हमारे पास गैस होती है, राइट. सो गैस का जो वॉल्यूम है ग्लास बल्ब में हम कॉन्स्टेंट रखते हैं बाय एडजस्टिंग द मर्क्यूरी रिजर्वायर. एनी वे यू यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में जो वॉल्यूम रहता है गैस का वो कॉन्स्टेंट रहता है. नाउ आइडियल गैस इक्वेशन सेज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट. अगर हम कहते हैं कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है एंड एन दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना इन द बल्ब, वो भी कॉन्स्टेंट रहता है, एंड आर तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है. सो वी कैन से कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यू कैन से कि जो प्रेशर बाय टेम्परेचर का रेशियो है ना, दिस रेशियो विल बी कॉन्स्टेंट किसी भी पॉइंट पे. अभी हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और एक पॉइंट है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. सो लेट मी राइट इट, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है और एक है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. सो इसमें क्या होगा, पी बाई टी का जो रेशियो है वो सेम रहेगा. जैसे ट्रिपल पॉइंट की अगर हम बात करें देन प्रेशर का जो वैल्यू है वो गिवन है ना, ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज़ 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 पास्कल. एंड टेम्परेचर का जो वैल्यू है ट्रिपल पॉइंट पे वो आपको याद होना चाहिए फॉर वाटर. जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का उसके लिए जो टेम्परेचर है दैट इज़ 273 केल्विन, राइट. अभी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें देन यहाँ पे हमें प्रेशर गिवन है ना, प्रेशर 2.05 इंटू 10 रेज टू द पावर 4. सो ये है प्रेशर 2.05 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो जस्ट रेशियो ले लेते हैं और उसे इक्वेट कर देते हैं. पी बाई टी का रेशियो ले लो, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 273. ये पी बाई टी का रेशियो है यू नो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, दैट इज़ इक्वल टू पी बाई टी का रेशियो 2.05 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, मैंने क्या किया, पी बाई टी का रेशियो लिया दोनों पॉइंट पे और इक्वेट कर दिया. सो यहाँ से यू कैन ईजिली कैलकुलेट, राइट. 10 रेज टू द पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा, जो टेम्परेचर है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे दैट विल बी 273 इंटू 2.05 डिवाइडेड बाई 1.5. नाउ न्यूमेरिकल आंसर यू कैन फाइंड आउट यूर सेल्फ, दिस विल बी इन केल्विन. अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट, राइट. सब्ट्रैक्ट कर देना 273 को. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, न्यूमेरिकल आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, इसकी वर्किंग आर्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.